Yes, students. So let me start with our question number 45. As per the question, interest on capital हमें दिया हुआ है 5% per annum. Interest on loan है 6% के हिसाब से देंगे. Rate of interest is not given, so हम 6% के हिसाब से देंगे to Kajal. देन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी हुई है 6% पर एनम. देन हमें 10% ऑफ अवर प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स जो होंगे उनका हमें बनाना है रिजर्व, और हमें दे रखे हैं नेट प्रॉफिट्स. तो हमें पता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो, जो कोई भी लोन किसी पार्टनर ने एडवांस किया है, या फिर वो हमारी सैलरी या फिर कमीशन हो, तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. सो यू ऑल हैव टू राइट ओवर हेयर रुपीज़ हेयर यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर्स, कंप्लीटेड एंड पर्टिकुलर्स, राइट. सो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं. बाय नेट प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है हमें प्रॉफिट्स? अभी पता नहीं है हमें. और यहाँ पे हमें पता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, काजल्स लोन 6% के हिसाब से हमारा लोन उसने दिया है 30,000 का. 30,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हुआ हमारे पास 1,800. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमें गिवन है वो कितना है 68460. यस स्टूडेंट्स, तो हमें ये नेट अमाउंट दे रखी है, उसमें हम 1800 ऐड बैक करके हम अपने ओपनिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल बी 70260. तो पेपर में इस स्पेशल अकाउंट के अलग से मार्क्स हैं, बिकॉज हमें ये प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट दिखानी है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 70260. After this, we will make profit and loss appropriation account. Credit, debit. You have to follow the proper format. यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस. तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 68460. हमें नेट प्रॉफिट्स दिए हुए थे इन्होंने. टू, ये वाले प्रॉफिट्स हमेशा नेट प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों, ये वाले ग्रॉस प्रॉफिट्स होते हैं, और इनका जो बैलेंस होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स, वन इज साजल, अनदर वन इज काजल. तो साजल की 50,000 के ऊपर 5% कितना हुआ 2,500, और काजल के 40,000 के ऊपर 5% हुआ 2,000. तो इन दोनों का कितना बन गया 4,500. देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमने इनको ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है अकाउंट. साजल काजल, साजल का जो ड्राइंग है वो 10,000 है, और 10,000 के ऊपर
6%, 6/100। और अगर हमें ड्राइंग का ड्राइंग की डेट ना पता हो तो इट इज़ एन अजम्पशन दैट वी डिड इन अ कंडीशन कि हम हमेशा एवरेज लेंगे ऑन 6 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट हुआ हमारा 300। तो ये इनर साइड में आपको 300 लिखना है, ठीक है बच्चों। ये मैं कैलकुलेशन यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ये आपको रफ नोट में, वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन दिखानी है। तो ये साजल की आई है 300। और काजल की कैसे कैलकुलेट होगी? काजल की ड्राइंग थी 8000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो ये आ गया हमारे पास 240। तो यहाँ पे काजल की 240, इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 540 रुपीस। यस, तो हमारे पास इसके बाद उसने कहा है हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है अमाउंट बाय रिजर्व अकाउंट। कितना हमें ट्रांसफर करना है? 10%। 10% होगा 6840 प्लस 540 माइनस 450। तो ये कितना हुआ हमारे पास कैलकुलेशन? 6450। और हमें इसका 10% जितना हमारे पास नेट बच गया है उसका 10% हमें रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है। तो दिस अमाउंट केम्स टू बी, ये अपने वर्किंग नोट आप बनाते रहना। आई एम वर्किंग ओवर हेयर ऑन अ वाइट बोर्ड, दैट इज़ वाई आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में वर्किंग नोट बनाना है साथ में। तो हमने रिजर्व में ये 6450 अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, राइट? तो इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट्स बच जाएंगे 2। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू, एक तो साजल की कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा और एक काजल की। और इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूटेबल रेशियो क्या है हमारे पास? 2:1। तो हमारे पास इन दोनों का बैलेंस आया है यहाँ पे 6900। और यहाँ पे हमारे पास इनको रिड्यूस करके हमारे पास 69000 में से 4500 माइनस 6450, तो हमारे पास नेट फिगर आ गई 58050। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम वर्किंग नोट में 58050 को 2/3 एंड 58050 इंटू 1/3 करके इन दोनों का शेयर निकाल लेंगे। तो इसका शेयर निकला हमारे पास 3870 और इसका शेयर हमारे पास आया 19350। तो वी हैव 38700 एंड 19350। तो वी गेट दिस ऑल्सो। अब इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। तो हमारे पास दो पार्टनर्स है, हम दो अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पे, दो पार्टनर्स के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे अलग अलग 1, 2, 3। सेम वेज पार्टिकुलर्स, यहाँ पे कौन है? साजल, काजल, देन पार्टिकुलर्स साजल एंड काजल, क्रेडिट डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस दिए हुए हैं बाय बैलेंस BD। साजल का बैलेंस है हमारे पास 50000, काजल का बैलेंस है हमारे पास 40000। तो इसको इंटरेस्ट मिला इन दोनों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है हमारे पास 2500 एंड 2000। इनको प्रॉफिट का शेयर मिला बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
38700 एंड 19350। और इधर इन्होंने ड्राइंग की, टू ड्राइंग, ड्राइंग कितनी दी हुई है, साजन ने 10,000 की और इसने 8,000 की। और इन्हीं के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 एंड 240। तो यहाँ से हमें बैलेंस पता चल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो पहले हम इन्हें क्लोज करेंगे, इनका बैलेंस हुआ हमारे पास 2019 और इसका हमारे पास हुआ 35061। 61350, 9120 और इसमें से माइनस किया इतना, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 80,900 और इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास आया 53110। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 इज कंप्लीट। नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एज पर दिस क्वेश्चन, अली और बहादुर दो पार्टनर्स हैं। अली और बहादुर आर द टू पार्टनर्स और इन दोनों का जो शेयर है 70-30% है। अली का 70 और बहादुर का 30 और इनकी कैपिटल्स बता रखी हैं और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स बता रखी हैं और प्रॉफिट बता रखे हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं और इनमें से हमें 10% जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। तो इन्होंने बोला है कि हमें करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ वी हैव टू मेंटेन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट एंड हियर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टू अकाउंट्स बनेंगे, ये अली ये बहादुर, अली बहादुर। हमारे पास बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी। अली का है बैलेंस हमारे पास 25,000 और बहादुर के पास है 20,000 और यहाँ से हमें निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ख़त्म, यस इट्स इनफ। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ एंड इफ़ वी हैव टू मेंटेन बोथ दी अकाउंट्स देन इट इज़ नेसेसरी दैट वी हैव टू चेक कि हमारे पास कोई एडिशन ऑफ कैपिटल तो नहीं, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो नहीं। अगर वो दो एंट्रीज हैं तो यहाँ पे पोस्ट होगा, अदरवाइज जितनी कैपिटल आई उसी कैपिटल के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, देन वी विल मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। ये क्वेश्चन मैं तो करवा रही हूँ ताकि जो आपका जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट दैट विल बी रिमूव्ड। तो हमारे पास अली बहादुर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अली बहादुर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अमाउंट आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास अली के 25,000 और 25,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा तो आ गया
और हमारे पास बहादुर की 20,000 कैपिटल है और 20,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाया तो हमारे पास आ गया 1,000। फिर हमने यहाँ पे देखा बाय बहादुर को हम सैलरी देंगे, बाय सैलरी अकाउंट कितना 3,000। बाय हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, यहाँ पे तो हमें शेयर निकालना था भैया, है ना, शेयर निकालना था ना, तो इसके लिए इसीलिए मैंने पहले करंट अकाउंट किया था। जो आप पेपर में भी जब भी करंट अकाउंट बनाओगे तो आपको ये याद रखना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का शेयर भी लेके आना है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना होगा। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हम तो बना रहे हैं स्पेशली टू फाइंड आउट द शेयर। हाँ जी, अब हमारे पास पी एंड एल का बैलेंस है हमारे पास 40,000 और इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अली बहादुर। अली का शेयर हमारे पास 1,250, बहादुर का 1,000। फिर हमने बहादुर को सैलरी दी टू सैलरी बहादुर सैलरी 3,000। फिर हमें रिजर्व में पैसा देना है 10%, तो हमारे पास रिजर्व होंगे 40,000 माइनस 2,250 माइनस 3,000, तो जो बैलेंस आया हमारे पास थ्री फोर सेवन फाइव जीरो हम उसी बैलेंस को पार्टनर्स में इसका 10% पार्टनर को दे देंगे 3,475। ठीक है बच्चों, फिर हम यहां से निकालेंगे टू प्रॉफिट्स जो हमने ट्रांसफर करने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें अली का शेयर निकलेगा और बहादुर का, तो फोर्टी थाउजेंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 40,000 माइनस 2,250 माइनस 3,000 माइनस 3,475, तो वी विल गेट 3,125,275। और इसका 70% अली का शेयर जो क्या है 21,892, वो यहीं पे आ जाएगा 21,892 प्लस 1,250 हमारे पास यहाँ पे आ गई अमाउंट 23,142। और इसमें से अगर हम ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे माइनस 3,500 तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा अली का, दैट इज 19,642। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा इसका टोटल था 23,142। और ऐसे ही 31,275 का 30% इज द शेयर ऑफ बहादुर, तो यहाँ पे 9,652,53 ले लेंगे, इनका टोटल राउंड कर लेंगे और यही शेयर इधर आ जाएगा 9,653 प्लस 4,000, तो ये आ गया 13,653। इसमें से हमने 3,000 माइनस किए तो हमारे पास इसका शेयर आया 10,653। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम ये सारा क्वेश्चन कर रहे हैं टू फाइंड आउट दिस। यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट है
3883 और ये 9383, प्लीज करेक्ट इट। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस भी चेंज हो जाएगा 13383, तो 13383 इसमें से 3000 अगर हम माइनस कर देंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद 10883। तो ये सारा क्वेश्चन हमने किया है सो एज टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, उसके लिए हमें पहले शेयर ऑफ ईच पार्टनर फ्रॉम द करंट प्रॉफिट्स पता होना चाहिए। वो पता करने के लिए हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क। सी यू टुमारो। थैंक यू।